हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा टर्म 2 एग्जामिनेशंस, मैं कहूँगा इस चीज़ को आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त आप लोग जितना कंसर्न हैं, आपके घर का पूरा माहौल चेंज हो गया होगा आपका जब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप लोग जितना ज़्यादा चिंतित हैं आपके पेरेंट्स भी उतना ही होंगे। आपके लिए केयर और कंसर्न बढ़ चुका होगा, आपके लिए टेंशन कर रहे होंगे आपके मॉम एंड डैड कि पता नहीं ये एग्ज़ाम में क्या करेगा, कितना स्कोर कर पाएगा। कईयों के पेरेंट्स तो ये भी कह रहे होंगे कि टर्म 1 तो इसका ख़राब चला गया, पता नहीं टर्म 2 में क्या करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, आप खुद भी देखिएगा और अपने गार्जियन को दिखाइएगा, तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट सिचुएशन बदल जाएगा और आप लोग काफ़ी रिलैक्स होकर अपना एग्जाम देंगे। और साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि सीबीएसई ऑफिशियल्स का नोटिफिकेशन क्या कहता है वो दिखाकर। तो अभी जो मैं बात बोलूंगा शायद आपको यकीन कर पाना मुश्किल होगा। आप लोग जो एग्जाम देंगे, आप जो पेपर देंगे, जो साइड मार्क्स आपको मिलेंगे, मान लीजिए आपने परसेंटेज ला लिया है 60%, ठीक है, और आपने सोच लिया कि आपने एग्जाम दे लिया, आपने कैलकुलेशन किया, आपका 60% आ रहा है, उसके साथ और क्या चीज़ों को ऐड करके आपका 80% तक आ जाएगा, ये 100% गारंटी है। और ये बात जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको कईयों को ये फेक लगेगा कि क्या भैया कैसे ऐसे बोल देते हो, कुछ भी आकर बता देते हो। तो आप बताइए कि 40 हम लोग 60 मार्क्स लाएंगे और 20% उसमें कैसे ऐड हो जाएगा और 30% उसमें कैसे ऐड हो जाएगा, क्या जादू हो जाएगा, क्या मैजिक हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नहीं दूंगा, ये सीबीएसई खुद आपको देगी। चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए कि वहाँ पर क्या कहा गया है कि टर्म 1 में जो भी फॉल्ट्स एंड जो भी चीज़ें हुई थी, मैं थोड़ा थोड़ा आपको लिए लेकर आ रहा हूँ, कहाँ कहाँ से आपको जो मार्क्स मिलेंगे जिससे आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे, जहाँ पर आप मेहनत नहीं करेंगे लेकिन वो मार्क्स आपके हैं और आपके परसेंटेज बढ़ा देंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिए कि वहाँ पर जो भी कैलेश हुए थे, जो भी गलतियाँ हुई थी टर्म 1 में, उसका क्या किया जाएगा, टर्म 2 के रिजल्ट प्रिपरेशन के समय जो भी आपका मार्क्स बनता है, जिसे बोनस कहा जा रहा था, जो भी चीज़ें वो ऐड कर दिए जाएंगे। ये हो गया बिना मेहनत किए हुए आपका मार्क्स। अब चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पर उससे पहले कि स्टडी एप्लीकेशन, मैं पूरा आपको बता देता हूं कैसे क्या प्रोसीजर आपको रह रहा है, और वीडियो में लाइक में कंजूसी नहीं करना है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपना कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहाँ पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. So hurry up, get benefit now. जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपका ध्यान खींचना चाहूंगा व्हाइट बोर्ड की तरफ, एंड आई होप आप दिल और मन से लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम सब आपके साथ हैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए और आपका साथ देने के लिए। प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, नर्वस बिल्कुल मत रहिए, टेंशन साइड में रखिए। अगर ज्यादा टेंशन होती है 5-10 मिनट के लिए गाने सुन लीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। तो काम आपको करना है, मार्क्स सीबीएसई को देना है। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आपको कहां से कैसे थोड़े थोड़े मार्क्स मिलेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑफिशियल सर्कुलर दिखा दिया कि जो भी गलतियां हुई थी टर्म 1 में, उसका मार्क्स एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट आपको दिया जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेटजीज के ऊपर बात कर लेते हैं। क्लास 12 में जैसे आर्ट्स हो गए, साइंस हो गए, कॉमर्स हो गए, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट, क्लास 10 में जो 5 सब्जेक्ट है ये वाले, और एक चीज है एडिशनल सब्जेक्ट। आप सबको पता होगा आपका एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर साइंस, संस्कृत वगैरह। अगर आपका कुछ भी परसेंटेज खराब होगा या आप फेल हो रहे होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ये जो एडिशनल सब्जेक्ट में आप 40 मार्क्स का जो भी पेपर देंगे, मतलब थ्रू आउट द ईयर 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है 40x40 टर्म 1 एंड टर्म 2, तो आपका ये जो 80 मार्क्स का जो भी रिजल्ट रहेगा इसके साथ ऐड होगा, परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरा चीज, थोड़ा स्ट्रेटजीज के बारे में हम हमेशा की तरह बात करेंगे कि आपका हिंदी और इंग्लिश मानो या ना मानो सबसे ईजी और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जहां पर पैसेज क्वेश्चन आते हैं, पैसेज पढ़कर वहीं पे आंसर रहता है, क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो कि इजी होता है।
इंग्लिश में भी सेम है। साथ साथ इसमें आपको कहानी पढ़ना होता है, लाइक एक स्टोरी, आपको स्टोरी की तरह सारे चैप्टर्स होते हैं, पढ़कर जाके आंसर लिखने होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा स्कोरिंग पॉइंट होता है हिंदी इंग्लिश फॉर क्लास 10-12। उसके बाद आ जाता है SST जो हार्ड लगता है स्टूडेंट को, और मैथ और साइंस जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें खराब कर देते हैं। ऐसा ही यहां पर भी है क्लास 12 का भी। चलो मान लो आपने कुछ भी करके दुख सुख से आपने 60% ला लिया, ठीक है, क्लास 10-12 में 60% ला लिया। टर्म वन का अगर मान लो गलतियों का अगर कुछ भी परसेंटेज मिला तो 10% यहां से आपको मिलेगा ही। उसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों इंटरनल एग्जाम्स भी हुए हैं, आप सबको याद होगा इंटरनल मार्क्स जो कि 20 मार्क्स का थ्रू आउट द ईयर, 10 मार्क्स टर्म वन, 10 मार्क्स टर्म टू। अब ये जो 20 मार्क्स है, 20 मैक्सिमम स्कूलों ने आप सबको 15 के ऊपर दिया है, 18 मार्क्स, 19 मार्क्स, हर स्कूल मैंने रिपोर्ट दिखा दिया है। तो अगर यहां से मान लो आपको यहां मिल जाएंगे 15%, मतलब आपको यहां पर क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 25% एक्स्ट्रा जो कि आपके थोड़े बहुत मेहनत के आपको मिल रहे हैं। तो 60+25% इक्वल्स टू 85% आपके आसानी से आएंगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि क्या क्या चीजें बदल जाएंगे मेरे भाई बहन जब अपना एग्जाम देंगे तो। और आप सबको पता है कि टर्म वन एंड टर्म टू दोनों ऐड हो रहा है, एंड इसमें वेटेज कमाने घटाने की भी बात है। तो अगर टर्म वन का वेटेज कम गया तो टर्म टू का बढ़ गया तो और आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो टेंशन कहीं से भी आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको काम करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले पर भरोसा रखना है। अपने गार्जियन को ये वीडियो दिखाइए, उन्हें समझाइए कि आप लोग डरिए मत, सब कुछ अच्छा होगा, हर एक चीज अच्छा जाएगा, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं रहना है मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे अपने भाई बहनों पे पूरा भरोसा है कि इस चीज को वो समझे होंगे। अभी से भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो अच्छा ला सकते हो। ये तो कुछ अलग तरीके के परसेंटेज थी जो आपको मिलेंगी। ऐसे और वीडियोस को पसंद और प्यार करने के लिए लाइक करिएगा, फ्यूचर में अपडेटेड रहने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू सो मच।